हाय फ्रेंड्स, यह है ह्यूंडई एक्सेंट। इसमें जो इशू है, फुल एक्सलेटर प्रेस करने के बाद भी इसका आरपीएम जो है 2000 के ऊपर नहीं रेज हो रहा है, और इसमें चेकलाइट भी ब्लिंक हो रही है, और इसमें स्पीडोमीटर का भी इशू है। इसको स्कैन रिपोर्ट एक बार देखते हैं। इसका स्कैन रिपोर्ट है जो P0501 व्हीकल स्पीड सेंसर, और इसमें वायरिंग स्पीडोमीटर सेंसर की वायरिंग भी चेक करना है, और इसका इनपुट सप्लाई भी चेक करना है आपको। DTC क्लियर करके देखते हैं। देखो, आफ्टर DTC क्लियर करने के बाद इसका आरपीएम जो है नहीं राइज हो रहा है, और इसका स्पीड भी जो है स्टेबल नहीं है। इसमें वायरिंग भी ठीक है और इनपुट सप्लाई भी ठीक है। इसमें जो इशू था स्पीडोमीटर सेंसर का इशू था। आफ्टर सेंसर नया चेंज करने के बाद टेस्ट भी करें। ये देखें, सेंसर रिप्लेस करने के बाद इसका स्पीड जो है वर्क हो रहा है। इसमें स्पीडोमीटर का सेंसर इशू है, रिप्लेस करने के बाद ठीक हो गया।